hi guys welcome back to my youtube channel and i hope you are in great great health guys so in this video we are going to discuss follow-ups of the q card talk about an important or special event you celebrated i have already uploaded the sample answer of this q card you can check the description box for the link guys but before we start the video guys please hit the subscribe button and don't forget to share this video so let's begin the video guys the first question is हाउ डू पीपल इन योर कंट्री सेलिब्रेट इवेंट्स यहाँ पर हमसे इन्होंने पूछा कि आपकी कंट्री के लोग इवेंट्स uh, को कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं एंड द आंसर इज देर आर एम्पल वेज टू सेलिब्रेट इवेंट्स इन माई कंट्री कि हमने यहाँ पर बताया एम्पल का मीन्स होता है मैनी वेरिस की बहुत तरीके हैं यहाँ पर इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के सिम्पली इट डिफर्स फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि हर एक का अपना अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का सम पीपल प्रेफर टू डाइन आउट विद देयर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वेयर एज अदर्स लाइक टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल गेट टुगेदर कि कुछ लोगों को पसंद है कि वो प्रेफर करते हैं कि वो डाइन आउट करें डाइन आउट मीन्स जो बाहर डिनर करने जाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के और साथ और फ्रेंड्स के साथ और कुछ लोगों को पसंद है कि वो एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करें तो ऐसे करके आप सबका अपना अपना तरीका सेलिब्रेट करने का अपार्ट फ्राम दिस सीनियर सिटीजन इन ग्रेट नंबर विजिट टू होली प्लेस एंड पे देयर ओबिस टू द गॉड वैन इट कम्स टू यंगस्टर्स दे लाइक टू गो टू क्लब्स ये अगर यंगस्टर्स की बात करें तो उनको क्लब्स वगैरह जाना पसंद है ईवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए वेर एस जो सीनियर सिटीजन है वो होली प्लेस पर जाते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इवेंट्स डू इंडियन पीपल लाइक टू सेलिब्रेट यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि इंडियन लोग कौन से इवेंट्स को सेलब्रेट करना पसंद करते हैं एंड द आंसर इज इट्स नॉट अ सीक्रेट दट इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन एंड दिस डाइवर्स ब्रिंग प्लेथर ऑफ इवेंट्स टू द लाइफ ऑफ माई कंट्रीज सिटीजन्स कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि सबको पता है इंडिया एक डायवर्स नेशन है और डायवर्सटी की वजह से बहुत सारे इवेंट्स हमारी जिंदगी में एड ऑन हो जाते हैं पीपल्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली होली क्रिसमस एंड मोर यहाँ पर हमने बताया कि दिवाली होली क्रिसमस और, और भी जो से सेलिब्रेशन उनको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं उनट्स को सेलिब्रेट करते हैं इंडियंस अपार्ट फ्राम दिस बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी अकेडमिक सेसेस एंड प्रमोशन सेलिब्रेशन आर वेरी पॉपुलर इन माई कंट्री कि हमने बता दी कि जो मैरिज एनिवर्सरी होगी चाहे कोई प्रमोशन होगी बर्थडे होगी तो ये सारे इवेंट्स को सेलिब्रेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं हमारी कंट्री में द थर्ड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक सेलिब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपको क्यों लगता है कि सेलिब्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों हैं इन दिस फास्ट स्पेस एरा वी यूजली रिमेन कॉट अप इन स्ट्रेस यहाँ पर हमने बताया कि इस भागदौड़ वाले एरा में हम ज़्यादातर स्ट्रेस में ही रहते हैं एंड आई सर माइज सेलिब्रेशन आर नॉट ओनली एन एस्केप फ्राम स्ट्रेस बट ऑल्सो फ्राम टी डी एस स्केजूल यहाँ पर हमने बताया कि मुझे लगता है कि जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ एक स्केप नहीं है हमारा स्ट्रेस से बट हमें जो हमारे रेगुलर स्केजूल होता है बोरिंग स्केडूल होता है उससे भी राहत देती है सर माइज का मतलब होता है ओपिनियन बिसाइड्स दिस सेलिब्रेशंस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू जल विद अदर्स इट्स अ वे टू शेयर आर हैप्पीनेस विद ईच अदर एंड क्रिएट मेमोरीज ऑफ द लाइफ टाइम कि इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सेलिब्रेशन होती है वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम जेल हो सके दूसरों के साथ जल के मिल कि हम दूसरों के साथ घुल मिल सकें और अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट सकें और अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकें लाइफ टाइम के लिए एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ डू यू प्रेफर बिग और स्मॉल सेलिब्रेशन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आपको बड़ी सेलिब्रेशन पसंद है कि छोटी सेलिब्रेशन

हु डजेंट लाइक स्पेंडिंग लेवेली थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बहुत ही समझदारी से पैसे खर्च करता है कि मैं बहुत समझदारी से पैसे खर्च करने वाला इंसान हूँ मैं ऐसे फजूल खर्ची नहीं करता इन बिग बैशेज़ इट्स नॉट ओनली हार्ड टू ग्रीट समन बट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मेक अ कनेक्शन विद अदर्स बिग बैशिज़ होती हैं जो बिग सेलिब्रेशन होती हैं बड़ी पार्टीज़ होती हैं उसमें हमने बताया कि जो बड़ी सेलिब्रेशन होती हैं उसमें सिर्फ किसी और को मिलना ही मुश्किल नहीं होता बट उनके साथ कनेक्शन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वेअर एस टाइनिंग ग्रुप्स गिव द लग्जरी टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड अदर्स इन अ बेटर वे और यहाँ पर हमने बताया कि जो टाइनिंग ग्रुप्स होते हैं उसमें हमारे पास लग्जरी होती है एडवाटेज होती है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरे इंसान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एंड वन कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हीज़ और हर डियर वनस कि स्मॉल ग्रुप में हम स्मॉल पार्टीज में हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं हमारे डियर वनस के साथ सो देट सेट गाइज ये थे हमारे फॉलोअप And I will see you in the next video, guys. Till then, take care. Good luck for the preparation, and thank you, guys.